वालेकुम विवर, मैं आपका दोस्त जावेद। ये आज हमने आपको बताया था जो हमारी मुर्गी के बच्चे निकले थे अंडों से, वो ये हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी 11 दिन के हो गए हैं आज ये। और आप देखें कि ये बच्चे सारे माशाल्लाह फिर रहे हैं हमारे। ये देखें इनकी खुराक, ये हमारी मुर्गी के बच्चे हैं, माशाल्लाह सारे ही सेहतमंद हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको इसकी खुराक के बारे में भी बताएंगे। ये देख रहे हैं हम इनको सूखी रोटियां डालते हैं रात को, पानी में भिगो के रख देते हैं और दिन में इनको डाल देते हैं। ये देखिए हमारी मुर्गी, ये वो हमारी मुर्गी है सारी, ये मुर्गी हमारी। और इसमें माशाल्लाह सारे ही बच्चे निकाले हैं अपने, ये देख रहे हैं, ये हमारी मुर्गी है जो हमने आपको बताया था कि हम आपको इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद दोबारा वीडियो दिखाएंगे। ये माशाल्लाह 11 दिन के हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये सेहतमंद भी हैं और सब ठीक ठाक है। ये देखें, इसी तरह हम अपने एक दोस्त के घर गए थे, वहाँ से एक मुर्गा भी ले गए हैं और दो मुर्गियाँ असील ले गए हैं। हमने बोला चलो आप दोस्तों को उनका भी शौक कराया जाए। इससे पहले हम आपको अपनी वो मुर्गी दिखाएंगे जो आज से 3 महीने पहले बच्चे निकाले थे उसने, और वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हुए हैं। आए अब आपको हम अपनी वो मुर्गी दिखाते हैं जो हमारी मुर्गी ने काफ़ी बच्चे निकाले थे। वो हमारी मुर्गी है जिसने अपने 4 बच्चे निकाले थे, और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए अब तो। ये देखें, ये वो हमारी मुर्गी के बच्चे, एक ये घूम रहे माशाल्लाह से, अच्छा खासा बड़ा हो चुका है ये भी। 2 ये और तीसरा ये, चारों ये खड़े हैं आज। और ये इनकी अम्मा हैं, ये हमारी मियाँ वाली की मुर्गी है, इसमें बच्चे निकालने लगे। ये माशाल्लाह अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी मुर्गी है। अच्छा, हम इनको खुले ही रखते हैं, कभी बंद नहीं किया, क्योंकि बंद करने से बच्चे ज़्यादा जल्दी बड़े नहीं होते, और जो बच्चे ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं उनकी यही पहचान होती है कि वो 24 घंटे घूमते फिरते रहे। सिर्फ हम इनको रात के टाइम बंद करते हैं जब इनका रात का वक्त होता है, और सुबह पहले टाइम खोल देते हैं इनको 8 बजे के टाइम। ये पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। अभी माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये, हमारे 2-2 महीने के बच्चे हुए हैं। ये देखें, ये वो हमारा सील मुर्गा है जो हमने एक दोस्त के घर से मंगाया था, मियाँ वाली नस्ल। आप इसे देखें और बताएं कितना अच्छा मुर्गा है ये। ये देख रहे हैं माशाल्लाह मियाँ वाली का मुर्गा है, कांटे भी इसके 6 बार निकले हुए हैं, और ये लड़ाका मुर्गा है। अब हमने सोचा कि चलो नई ब्रीड के लिए ये मुर्गी है, मुर्गा एक ले गया थे अपने दोस्त के घर से, और ये एक मुर्गी हमारे पास, एक ये सील मुर्गी है जिसको हमने इस साल अब इनके अंडे बच्चे लेंगे और फिर इनसे लड़ाएंगे, इनके बच्चे अंडों पे बैठाएंगे इंशाल्लाह। अब जब हम इनको बैठाएंगे तो आपको ये वीडियो भी लाजमी दिखाएंगे कि अंडों पे बैठाते कैसे मुर्गी को। और हमारी इंशाल्लाह दूसरी ये इसके साथ किसकी बहन है, ये दोनों बहनें एक साथ ही ले गए हैं, एक ही घर से लाए। हमने बोला चलो इस मुर्गे के साथ लगा के देखते हैं, अपने मियाँ वाली मुर्गा है और मुर्गी है हमारे पास। ये देखें माशाल्लाह दोनों ही बहुत अच्छी मुर्गी हैं, अच्छे बच्चे मारती हैं। इनके माँ बाप हमने देखे बहुत ही अच्छे और ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाले मुर्गे। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये हमारी मुर्गियाँ अच्छी मुर्गी हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें आपको शौक करा रहे हैं अभी हम। ये दोनों मुर्गे बहुत ही टॉप की और बहुत अच्छी मुर्गी हैं। इसी तरह हम आपको अपनी दूसरी मुर्गियाँ भी दिखाते हैं जो हमारे पास पहले से रखी थी, और उन्होंने अब तक कितने अंडे दे चुके हैं ये भी हम आपको। ये वो हमारा मुर्गा है असील जो हम इस मुर्गियों के लिए ले गए हैं आपके सामने, और ये माशाल्लाह अभी 2 असील मुर्गियाँ जो दोनों हम इनके साथ छोड़ेंगे और फिर इनके अंडे बच्चों पे बैठाएंगे मुर्गियों को, और फिर इंशाल्लाह आप सबको हम बताएंगे कि इसके बच्चे कैसे लगे। आपको हमारा मुर्गा कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि हमारी तमाम वीडियो आने वाली आप तक आसानी पहुँच जाए। माशाल्लाह हम आपको अब नई मुर्गियाँ और उनके बच्चे दिखाएंगे। ये हमारा छोटा सा एक फार्म लगाया हमने जो माशाल्लाह अभी शुरू कर रहे हैं काम, इंशाल्लाह फिर हम सेल भी करेंगे और इनके अंडे भी सेल करेंगे और बच्चे भी निकाल के सेल करेंगे। अगर किसी भाई को हमारे से रابطہ करना हो
तो हमारा नंबर है 0307-8891-866 मोहम्मद जावेद। ये देखें, हम वीडियो तमाम वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं कि हमारे जो नए सब्सक्राइबर भाई हैं, जो हमारे व्यू हैं, उनको पता चले कि अगर वो भी अंडे निकालने बच्चे निकालना चाहते हैं मुर्गियों से, तो वो किस तरह निकालें। इससे पहले हमारी वीडियो देख लें, आपको सब बता देंगे किस तरह अंडे रखते हैं, किस तरह बच्चे निकलते हैं, और उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनको डालना क्या पड़ता है। और तो हमारे चारों बच्चे भी बड़े हो चुके हुए हैं, और ये हमारा सील मुर्गा भी है जो हमने नया सील मुर्गा लाया है माशाल्लाह। ये आप देखें और आप हमें बताएं ये मुर्गा कैसा लगा आपको। ये देखें, और ये हमारी एक मुर्गी है, ये अंडे देती हैं और इसके अंडे हम खाते हैं। ये देसी मुर्गी हमारी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।